मैकेनिक भाइयों, ये है BS6 की एक बाइक। काफ़ी सारे मैकेनिक भाइयों के माइंड में एक रेगुलर सवाल चल रहा है, चाहे वो कोई भी बाइक या स्कूटर हो, जब भी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं काफ़ी इजीली स्टार्ट हो जाती है। अब इसके अंदर जो मेन प्रॉब्लम देखता है कि गाड़ी रेस नहीं पकड़ रही है, पिकअप गाड़ी के अंदर नहीं ले रही है। तो पहले मैं गाड़ी को बंद कर लेता हूं और आपको मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या ऐसा रीज़न है जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होने के बाद पिकअप की समस्या करती है, और कितने प्रकार से पिकअप की प्रॉब्लम उत्पन्न करवाती है, और क्या ऐसा चेक करेंगे, कब हमें इंजन को चेक करना पड़ता है, कब थ्रॉटल बॉडी को चेक करना पड़ता है, कब इसके इंजेक्टर को चेक करना पड़ता है, कब इसके फ्यूल पंप को चेक करना पड़ता है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए, एक एक स्टेप आपको कवर करके बताएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रहेगा। एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा जब गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद थ्रोटल खींचें तो हमारी गाड़ी पिकअप ना ले और गाड़ी बंद हो जाए, तो उस कंडीशन में हमें क्या चीज़ ऐसा चेक करना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक स्टेप बताते हैं। पिकअप प्रॉब्लम को लेकर जब भी गाड़ी गैराज में आती है तो उसके अंदर आपको दो अलग अलग स्टेप यूज करना पड़ता है। पहले स्टेप में जब पिकअप का प्रॉब्लम होता है, जब देखने को मिलता है कि हमारी गाड़ी 40-50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही है, यानी फुल थ्रोटल भी खींच दिए तो 40 से ऊपर गाड़ी जाती ही नहीं है, तो वो जो पिकअप प्रॉब्लम हुआ वो इसके इंजन से हुआ, वो इसके क्लच प्लेट से हुआ। लेकिन दूसरा एक प्रॉब्लम होता है कि सेंटर स्टैंड पे हमारी गाड़ी खड़ी है, बट यहाँ पे जब पिकअप बना रहे तो हमारी गाड़ी पिकअप नहीं ले रही है। तो इससे क्लियर पता चल जाता है कि जब भी पिकअप के प्रॉब्लम को लेकर आए तो पहले आपको दो स्टेप को समझना है। पहले स्टेप में ये चीज़ चेक कर लेना है कि हमारी गाड़ी खड़ी गाड़ी में थ्रोटल लेने के बाद पिकअप प्रॉब्लम कर रही है या रनिंग गाड़ी में कर रही है। अगर रनिंग गाड़ी में कर रही है 40-50 और इसके जो 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी हमारी नहीं चल पा रही है, तो उस केस में हम इसके क्लच प्लेट को चेक करेंगे। अब बिना इंजन ओपन किए, बिना क्लच प्लेट ओपन किए हम कैसे पता करेंगे कि क्लच प्लेट ख़राब है या नहीं, वो मेथड आपको पहले पता होना चाहिए। फिर हम लोग देन इसके दूसरे स्टेप को चेक करेंगे कि जब हमारी गाड़ी खड़ी गाड़ी जब हमारी थ्रोटल लेने के बाद पिकअप ना बनाए तो कैसे हमें चेक करना चाहिए इसके फ्यूल प्रेशर को, इंजेक्टर के छिड़काव को। एक एक स्टेप आपको मैं बताते चलता हूँ। आपके पास जिस तरह से गाड़ी प्रॉब्लम लेकर आए उस हिसाब से आप उसकी टेस्टिंग करें। मैं सिर्फ दोनों प्रॉब्लम को आपको कवर करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। और अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्प्लेंडर के अंदर। आपके पास जो भी बाइक या स्कूटर आए, टेस्टिंग मेथड एकदम सेम होना चाहिए। पहले स्टेप में हम इसके इस जो इसका ऑयल लेवल गेज होता है इसे हम निकालेंगे, और ऑयल की जो क्वालिटी होता है उसे चेक करेंगे, और उसके स्मेल से हम ये जानेंगे कि क्या क्लच प्लेट ख़राब है या सही है। काफ़ी सारे मैकेनिक भाई इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गाड़ी हमारी मात्र 200 चली हुई है, 400 चली हुई है, या अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई, इतना जल्दी पिकअप का प्रॉब्लम आया तो क्लच प्लेट ख़राब हो ही नहीं सकता। बट जी नहीं मैकेनिक भाइयों, ये ज़रूरी नहीं, किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं। काफ़ी समय जो मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट निकल आता है, क्लच प्लेट ख़राब निकल आता है। मैंने काफ़ी सारी गाड़ियों का अंदर 200 किलोमीटर ही क्लच प्लेट को रिप्लेस किया है, तो ज़रूरी नहीं है। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, जब भी आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर ना जाए तो उस कंडीशन में आप इसके क्लच प्लेट को चेक करेंगे। अब उसके लिए तो इंजन ओपन करना बेवकूफ़ी है, तो उसके इंजन ऑयल के स्मेल से या फिर उसकी क्वालिटी से हम पता कर लेंगे कि क्लच प्लेट हाँ सही में ख़राब है या नहीं। तो अभी अगर देखा जाए तो मैं जिस तरह से इसके इंजन ऑयल को आपको दिखा रहा हूँ, इसकी क्वालिटी से और इसके स्मेल जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ, इसको सूंघ पा रहा हूँ, ये एकदम परफेक्ट है। इससे ये पता चल जाता है कि क्लच प्लेट ख़राब नहीं है। तो जब भी क्लच प्लेट ख़राब आपको साबित करना हो या इसे इंजन को ओपन करना हो तो पहले इंजन ऑयल को ज़रूर से ज़रूर जाँच कर लें। तो ये है पहला मेथड, जब भी आपकी गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जाती ही ना हो। अब चलिए मैं आपको दूसरा स्टेप बताता हूँ कि इसके जब गाड़ी सेंटर स्टैंड में रहने के बाद थ्रोटल खींचते ही गाड़ी का भदभदाहट सा महसूस हो, गाड़ी के अंदर पिकअप ना ले रहा हो, जब आपको बहुत सारे ऐसे स्टेप चेक करना पड़ेगा, वो कौन कौन सा है चलिए मैं दिखाते चलता हूँ। दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट करवाता है वो है इसका फ्यूल प्रेशर, इंजेक्टर का छिड़काव, थ्रोटल बॉडी और इसका TPS सेंसर। टेस्टिंग का मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले यहाँ से इसके फ्यूल के पाइपलाइन का जो कनेक्शन है इसे हम निकाल लेंगे। काफ़ी टाइट फिटिंग होता है, ओपन करते समय आप खास ध्यान रखें कि इंजेक्टर का पाइप टूटे ना,
इसे हम इस तरह से ज़ोर से प्रेस करके बाहर की ओर खींचेंगे तो ये निकल आएगा। अब इसके हम चाबी स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ से फ्यूल की सप्लाई होना चाहिए काफ़ी तेज़ी के साथ। चलिए ऑन कीजिए। ये देखिए, जैसे चाबी स्विच ऑन किया तो कुछ इस प्रकार से इतना फ्यूल इसके अंदर आया। बट ये टेस्टिंग का अगर देखा जाए ना तो एक रॉन्ग मेथड है, ये टेस्टिंग का परफेक्ट तरीका है नहीं। तो क्या है परफेक्ट तरीका? क्योंकि जब भी हम लोग इस तरह से चेक करते हैं, चाबी स्विच ऑन करते हैं, फ्यूल तो आया, और यहाँ पे हमारे मैकेनिक भाई मात खा जाते हैं कि जब चाबी स्विच ऑन कर रहा हूँ तो फ्यूल की सप्लाई हो रही है। बट ज़रूरी नहीं कि आपका फ्यूल की जो सप्लाई हो रहा उस प्रेशर से हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट होके थ्रोटल रिस्पॉन्स अच्छा खासा दे। इससे परफेक्ट जो है गाड़ी का थ्रोटल लेने के लिए 38 से 40 PSI का प्रेशर होना चाहिए। अब वो एक अलग मेथड है चेक करने का, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, पे आपको डिटेल में दिखेगा कि कितना PSI है, कैसे प्रेशर गेज के मशीन को लगाया जाता है, कैसे प्रेशर मापा जाता है। तो पहले स्टेप में फ्यूल प्रेशर को चेक करेंगे, दूसरे स्टेप में हम इसके इंजेक्टर को चेक करेंगे। तो इंजेक्टर को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसके इंजेक्टर को बाहर निकालेंगे। चलिए इंजेक्टर को बाहर निकालते हैं। इंजेक्टर को मैंने ओपन कर लिया इसके प्रेशर के साथ साथ इसके छिड़काव को चेक करने के लिए। बट उससे पहले आप याद रखें, अभी मैं टेस्टिंग जो का मेथड जो बता रहा हूँ, इंजेक्टर के छिड़काव को चेक करने से पहले ये ज़रूरी है कि इसके आने वाले वोल्टेज का आप टेस्टिंग करें, मल्टीमीटर का लगाएं और इसके अंदर इनपुट 12 वोल्ट की सप्लाई को चेक करें। कनेक्टिविटी मोड पे मल्टीमीटर को लगाएं और यहाँ से इसके ECM तक के बीच का वायर चेक करें कि कहीं वायर कटा ना हो। ये सारे मेथड मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और डायरेक्ट यहाँ पे आपको छिड़काव दिखाऊँगा। तो अभी इसके अंदर हम किक का उपयोग करेंगे इग्निशन स्विच ऑन करने के बाद, तो छिड़काव देखना है। ये देखें, ये देखें, बस कीजिए तो देख सकते हैं कि इसका जो फ्यूल पंप भी काम कर रहा है, इसके इंजेक्टर का छिड़काव भी आपको चेक करना है, और यही सारी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल जाएगा। इसके प्रेशर भी कम होने से ज़्यादातर जो अगर देखा जाए तो 50% जो केस का सल्यूशन मिलता है वो इसके फ्यूल पंप से ही मिल जाता है। पंप के अंदर डस्ट पार्टिकल होंगे, पंप का जो फिल्टर है वो ख़राब रहेगा, पंप सही से प्रेशर नहीं बना पाएगा, फ्यूल की क्वालिटी सही नहीं होगी। तो ये सारे रीज़न होते हैं जब भी हमारी गाड़ी का जो पिकअप प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अब इसके बाद आपको क्या चीज़ चेक करना है, क्योंकि सबसे पहले स्टेप में मैंने कवर किया है वो है मैनुअल प्रॉब्लम, इसका इंजन, बाकी अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे वो था फ्यूल के रिलेटेड। अब आपको तीसरे स्टेप में बताएंगे इसके सेंसर्स और एक्चुएटर के रिलेटेड। वैसे तो आपको इसके फ्यूल के रिलेटेड या इसके क्लच प्लेट में ही प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगा, बट अगर उसके बाद भी सल्यूशन नहीं मिलता है, जब आप इसके सेंसर यूनिट को चेक कर सकते हैं, इसके अंदर TPS सेंसर होता है, थ्रोटल पोजीशन सेंसर, अब वो जब ख़राब हो जाएगा जब तो ECM को सिग्नल नहीं भेजेगा, और साथ ही साथ IET सेंसर, मैप सेंसर, सारा का सारा इसी के अंदर इंक्लूडेड होता है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है इसको चेक करना। तो मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है। सबसे पहले मल्टीमीटर को आप 20 वोल्ट पे लगा दें, यहाँ पे 20 वोल्ट पे मल्टीमीटर को लगा के जो पॉजिटिव टर्मिनल इसका रहेगा वो इस सेंसर यूनिट के सबसे एंड वाला वायर में आपको लगाना है। कलर कोड की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर ग्रे प्लस ब्लू कलर का वायर देखने को मिलेगा, एक वायर यहाँ लगा देंगे और दूसरा वायर इसका कहीं से हम ग्राउंड इसे प्रोवाइड कर देंगे। 5 वोल्ट का इनपुट इसके अंदर आता है, ये देखें परफेक्ट इनपुट इसके अंदर मिल रहा है। तो ये इसका हो गया इनपुट सप्लाई कि ECM से इसका परफेक्ट इनपुट सप्लाई मिल रहा है 5 वोल्ट का इनपुट। अब इसका रेजिस्टेंस चेक करना होता है कि कैसे ये TPS सेंसर ख़राब है या सही है, उसको कैसे चेक करना है चलिए मैं बताता हूँ। इसके लिए हमें इसके सेंसर यूनिट को बाहर निकालना पड़ेगा, और इस सेंसर यूनिट की जब भी टेस्टिंग करें उसके साथ साथ आप थ्रोटल बॉडी भी क्लीन कर दें। ये मेथड जब भी आप उपयोग में लाएंगे 100% आपका पिकअप का प्रॉब्लम जो है सॉल्व होगा ही होगा। चलिए मैं इसकी टेस्टिंग बता देता हूँ कैसे इसे चेक किया जाता है। इसका सेंसर यूनिट मैंने निकाल लिया है इस वाले जगह से इसकी टेस्टिंग करने के लिए, तो कुछ इस प्रकार से ये लगा रहता है आप समझ सकते हैं, और निचला जो सबसे पिन है वो इसके इनपुट सप्लाई के लिए आता 5 वोल्ट। अब इसका जो इसके सेकेंड और थर्ड नंबर का जो पिन है, बाकी उधर दो नहीं बता रहा हूँ, वो तो IET और इसके मैप सेंसर का है, बट ये जो दो पिन है ना ये इसके TPS सेंसर के लिए काम करता है। इसी दोनों पिन पे हम इसके अंदर लगाएंगे मल्टीमीटर को और रीडिंग हमें देखने को मिलेगा। कौन सा पिन मैं अभी आपको दिखा देता हूँ,
ये इसके इनपुट वोल्टेज के लिए हो गया, तो इस पे एक पिन लगाएंगे और दूसरा इस पे पिन 2 और पिन 3 पे। TPS सेंसर को चेक करने के लिए हम इसके मल्टीमीटर को 200 ओम पे लगाएंगे और इसके अंदर हमें रीडिंग के अंदर जो है फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। चलिए मैं इन दोनों पिन को काफ़ी अच्छे से कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। और जैसे इसके TPS सेंसर के अंदर हम मूवमेंट डालेंगे इसको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जैसे जैसे मूव करते चले जाएंगे तो रीडिंग में फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा। तो ये है TPS सेंसर और इसके अंदर थ्रॉटल पेडल लगा होता है और ये आसानी से कुछ इस प्रकार से घूमता है और यहीं से इसके ECM को सिग्नल मिलता है। तो इसी के अंदर हम आपको फ्लक्चुएशन दिखाएंगे। मल्टीमीटर को मैंने 200 ओम पे लगा दिया और यहाँ पे सेंसर यूनिट में देखें तो मैंने जो प्रोब लगाया पिन 2 और पिन 3 पे। अब हम क्या करेंगे कि इसके सेंसर यूनिट में जो बदलाव करेंगे, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन डालेंगे। चलिए डालिए, देखिए TPS सेंसर को हम खोल रहे हैं और जैसे ही TPS सेंसर को खोलें तो आपको यहाँ पे रीडिंग में फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा। अभी एकदम क्लियर आप देख सकते हैं। अब इसके TPS को क्लोज कीजिए, बंद कर दीजिए थ्रोटल को। अभी देखें थ्रोटल को बंद कर दिए, सिग्नल जाना बंद हो गया। अब फिर से एक बार थ्रोटल को ओपन कीजिए। तो जैसे इसके हम सेंसर को यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड किए वैसे ही टाइप सेम इसके जो ECM को यहाँ से सिग्नल देता है। तो ये था कंप्लीट मेथड जो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को कवर करके बताया कि जब भी गाड़ी पिकअप ना ले तो किन सारी चीज़ों को चेक करना चाहिए। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। तो वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मैकेनिक TV की इस एप्लीकेशन को हर छोटे से बड़े सभी मैकेनिक भाइयों तक शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।